नमस्कार, मैं श्रीकांत सुकुमार स्वागत करता हूं एक वरिष्ठ लेखक, पत्रकार और बहुमुखी प्रतिभाओं के धनी डॉक्टर प्रवीण तिवारी का। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत। डॉक्टर प्रवीण तिवारी को वर्ष 2019 का नेशनल एक्सेलेंस अवार्ड मिल चुका है पत्रकारिता के क्षेत्र में। डॉक्टर तिवारी की कुछ ही समय में एक किताब आने वाली है, इनोवेट इंडिया स्टार्टअप एरा के नाम से, जो कि स्टार्टअप्स के विषय को बहुत अच्छी तरह से रिसर्च करके लिखी गई है। तो डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा, स्टार्टअप के विषय में मतलब आपकी जो यात्रा शुरू हुई वो किस तरह हुई, क्योंकि आपका जो मूलतः जो जुड़ाव रहा है, आपका जो फील्ड रहा है वो पत्रकारिता का रहा है। करीब 20 साल तक आप पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े रहे, तो इस क्षेत्र में कैसे आपका आना हुआ है? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार फिर मैं दूरदर्शन मध्य प्रदेश का बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझे लगता है श्रीकांत की पत्रकारिता एक ऐसा खूबसूरत कार्यक्षेत्र है जहाँ पर आपको मौका मिलता है दुनिया की लगभग हर विधा को देखने का, नज़दीक से समझने का। आपने बिल्कुल ठीक कहा, अपने 20 साल के पत्रकारिता के करियर में ज़्यादातर राजनीतिक पत्रकारिता या फिल्मों के साथ या खेलों के साथ जुड़ाव रहा। स्टार्टअप का एरा, मैं जो कहता हूँ स्टार्टअप एरा, एक ऐसा नया युग या एक ऐसा नया क्रांतिकारी समय है जब हम यंग एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर एक अलग फ्लैगशिप प्रोग्राम देख रहे हैं हिंदुस्तान में, और उसको लेकर युवाओं में उत्साह भी है। कुछ कार्यक्रमों के जरिए ही इसकी शुरुआत हुई थी, जैसे ही स्टार्टअप इंडिया मिशन की शुरुआत हुई उसी के साथ में कुछ ऐसे प्रोग्राम्स मुझे ऑफर हुए। फिर मुझे एहसास हुआ कि इसमें थोड़ा गहरे उतरने की ज़रूरत है। जब मैं स्टार्टअप्स के युवाओं से मिला तो मुझे लगा कि इनके जहन में बहुत से सवाल होते हैं, एक कोऑर्डिनेशन की कमी भी कई जगहों पर रहती है। हम अपना बॉस तो बनना चाहते हैं, एक एक सब लोगों के जहन में, आप किसी से पूछे कि आप स्टार्टअप में क्यों जाना चाहते हैं तो मैं किसी की बात नहीं सुनना चाहता हूं, मैं अपना मालिक खुद बनना चाहता हूं। फिर मेरे कार्ड पर जब सीईओ लिखा होता है तो मुझे अच्छा लगता है कि सीईओ है। कुल मिला के लगभग कुछ ऐसी ही बातें होती हैं। नो डाउट मुनाफा अच्छा हो, पैसा ज़्यादा कमाए, शोहरत मिले, ऐसी भी कई बातें होती हैं। लेकिन सिर्फ अपेक्षाओं से किसी विधा को सीखा नहीं जा सकता, अपेक्षाओं के साथ साथ एक सलाहियत भी बहुत ज़रूरी है। सलाहियत से मायने हैं कि हम विज्ञान के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, मैथ्स के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, तो हम इन विभिन्न विधाओं के लिए पढ़ाई लिखाई करते हैं। निश्चित तौर पर बिजनेस के लिए MBA या हम देखते हैं और भी कई ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, मैं ये नहीं कहता कि व्यवसाय के लिए पढ़ाइयाँ नहीं होती, लेकिन स्टार्टअप्स जो आम तौर पर वो बच्चे शुरू करते हैं जो इनिशियली अभी सीखने की या लर्निंग की प्रोसेस में होते हैं, आपने देखा होगा 21, 22 साल, 27 साल, फिर 60 साल के लोग भी हैं जो स्टार्टअप्स डाल रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो, लेकिन उनकी तादाद ज़रा कम है। प्रवीण जी, अगर हम जैसे अगर एक सिंपल तरह से समझाना चाहें अपने दर्शकों को कि स्टार्टअप एग्जैक्टली क्या होता है, स्टार्टअप से हम क्या समझते हैं, एक स्टार्टअप और एक बिजनेस में अगर कुछ अंतर है या क्या है, इस तरह से आप थोड़ा सा हमको बता सकते हैं स्टार्टअप एग्जैक्टली क्या समझिए हम? जैसे बहुत लोगों को जानकारी इस बारे में होगी, शायद ना भी हो, एक बड़ा ब्रांड है पतंजलि, जी जी जी, वो भी एक स्टार्टअप है। सो लेकिन स्टार्टअप से आम तौर पर जो मायने हैं 90 से 95% वो ये कि कम बजट में एक आइडिया के साथ, एक इनोवेशन के साथ में आप किसी चीज़ की शुरुआत करें। अब ये आइडिया और इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं कि निश्चित तौर पर हिंदुस्तान समस्याओं से भरा हुआ और घिरा हुआ देश है, लेकिन इन्हीं समस्याओं से निदान पैदा होता है। हमारे पास वो बेहतरीन माइंड्स भी हैं, ब्रेन्स भी हैं जो इन समस्याओं का निदान कर सकते हैं, और अच्छी बात यह है कि वो निदान हो रहा है। अब सरकार की योजनाओं में साथ ही साथ में आपको लगता है कि आप आम लोगों की ज़िंदगी को आसान करने के लिए कुछ कर सकते हैं, आप कोई भी एक आइडिया लेकर आते हैं, इनोवेशन लेकर आते हैं, तो आप अपने स्टार्टअप के लिए जा सकते हैं। पहला जो आपने कहा कि स्टार्टअप के मायने क्या है, तो इस डेफिनेशन को समझते हैं, तो पहले तो आपका आइडिएशन ऐसा हो जो लोगों की ज़िंदगी को आसान कर रहा हो, कम बजट के साथ में आप काम करना चाहते हो। तो भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया के जरिए ये सुविधा दी कि आपको टैक्सेशन में या बहुत सारी चीज़ों में रियायतें मिलेंगी। बिजनेस शुरू करना आसान नहीं है, कहीं भी नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारी कानूनी बाधाएं होती हैं, बहुत सारे धन की आवश्यकता होती है, बहुत सारे टैक्सेस होते हैं। जैसे ही आप कहते हैं कि मैं कमाने वाला हूं तो उससे पहले आपको टैक्स भरना होता है। इन बहुत सारी चीज़ों में इतनी रियायतें दी गई हैं स्टार्टअप इंडिया मिशन के जरिए, जिससे कि एक युवा के लिए अपने छोटे से व्यवसाय को लगाना, अगर सचमुच वो एक अच्छे आइडिएशन के साथ आया है, तो बहुत आसान हो गया, और यही स्टार्टअप इंडिया का मूल मकसद रहा है, यही स्टार्टअप की डेफिनेशन में अभी तक समझ पाया हूं। जी जी,
आपका काफ़ी अनुभव रहा है स्टार्टअप्स के साथ जैसे, तो आपके आपके विचार में जो सबसे बड़ी चुनौती क्या फेस कर रहे हैं आज की डेट में जो यंग हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, यंग उद्यमी हैं भारत में, खासकर मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए, तो आपके विषय में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? ये श्रीकांत, आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल मुझे लगता है कि ये सिर्फ बात मेरे साक्षात्कार की नहीं है, अभी जब हम बात कर रहे हैं तो बहुत से ऐसे युवा उद्यमी होंगे या एंटरप्रेनर्स होंगे जो स्टार्टअप्स के लिए जाना चाह रहे होंगे, तो उनके लिए भी मैं ये बात कहना चाहता हूँ। तो आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। उदाहरण के लिए H2O मंत्रा एक स्टार्टअप है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के एक साइंटिस्ट हैं जो कि IIT खड़गपुर से पास आउट हैं, उसके बाद उन्होंने वहाँ से PhD की और भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं। वो जब अपना स्टार्टअप यहाँ पर डालते हैं तो उनको फिर उन्हें ये पता लगता है कि भाई स्टार्टअप इंडिया तो बहुत सारी एमिनिटीज़, बहुत सारी सुविधाएँ दे रहा है, उसका फ़ायदा मिल सकता है, आसान हो गया है। लेकिन इसके बाद में जैसे ही वो व्यवसाय में उतरते हैं तो सबसे पहले तो आपको खुद के ब्रांड को एस्टैब्लिश करना, किसी भी फील्ड में आप जाएंगे तो आप पाएंगे बड़े बड़े खिलाड़ी ऑलरेडी मौजूद हैं। अब इसको थोड़ा पारदर्शी बनाने के लिए कि एक छोटा व्यवसायी अपने सामानों को बड़े व्यवसायियों के बीच बेच सके, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की शुरुआत की गई, जेम जिसको कहा जाता है। जेम के जरिए अब इन्हीं की जैसे अगर हम केस स्टडी H2O मंत्रा, क्योंकि मेरी किताब में भी इनकी पहली केस स्टडी मैंने ली है और उसकी वजह भी ये रही है कि मुझे इनका संघर्ष और इनका काम करने का तरीका बहुत पसंद आता है और इन्होंने अब काफी काम बढ़ा लिया है अपना। और खासतौर पर मध्य प्रदेश की, क्योंकि आपने बात की हम भोपाल में हैं, एक अच्छी बात जो है कि भोपाल को स्मार्ट सिटी का तो अवार्ड मिला है, लेकिन मैं ये भी दर्शकों को बता दूं कि भोपाल एकमात्र ऐसा शहर है जिसने स्टार्टअप्स के लिए स्मार्ट सिटी की तरफ से इंक्यूबेशन सेंटर्स डाले हैं। ये इंक्यूबेशन का मतलब होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको इंक्यूबेशन में रखा जाता है, उसको एक पर्याप्त गर्मी मिलती रहे, ताप मिलता रहे, जिससे कि बच्चा जीता रहे। अब ये इंक्यूबेशन स्टार्टअप्स के लिए भी जरूरी। तो आपके दोनों सवालों का जवाब इसमें, इंक्यूबेशन मतलब एक शिशु, स्टार्टअप यानी एक ऐसा शिशु जिसे इंक्यूबेशन की जरूरत है, जिसको थोड़ा गर्म रखने की जरूरत है, अभी अभी पैदा हुआ है। और दूसरा ये कि वो लोगों के लिए मदद कर रहा है, चैलेंजेस में उसको फंडिंग सबसे बड़ा चैलेंज आने वाला है, अपने ब्रांड को सामने रखना, लोगों को अप्रोच करना, फिर लोगों की विश्वसनीयता को, या इसमें दो चीजें हैं कि आप एक तो मार्केटिंग चेन डेवलप करते हैं, अपना सेल्स कैसे डेवलप करते हैं, दूसरा सेल्स को डेवलप करने के बाद में मान लीजिए आपको कुछ करोड़ों का प्रोजेक्ट मिल गया, जैसा हमारी इस केस स्टडी के साथ भी हुआ। तो अब जैसे ही आपको 2-3 करोड़ का मान लीजिए प्रोजेक्ट मिलता है, छोटा बड़ा जैसे भी मिलता है, उस प्रोजेक्ट को डिलीवर करने के लिए आपको धनराशि की आवश्यकता पड़ती है। जैसे ही आपको धनराशि की आवश्यकता पड़ती है तो आप किसी इन्वेस्टर की तलाश करते हैं, फिर एंजल इन्वेस्टर हैं या अलग अलग किस्म से इन्वेस्टमेंट होते हैं। आप उन जैसे ही इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि मेरा आइडिया जो है ये पैसा लगाने वाला पूरा का पूरा तो नहीं ले जाएगा, क्योंकि वो आपसे मोटा शेयर मांगेगा, इक्विटी मांगेगा, तो उसमें थोड़ा संकोच करने लगते हैं बच्चे। मेरा ये कहना है कि जो चीज़ सफल नहीं होती है उसमें पहले से मोह बना लेना, ये बड़ी समस्या मैंने देखी, चुनौती है। आप खुल के जाइए, अगर चलिए इन्वेस्टमेंट के में आप थोड़ा डरते भी हैं तो उसको सीखिए, गलतियों से सीखता। मैं ये नहीं कहता कि मेरी सलाह मान के आपको फायदा ही फायदा होने वाला है, लेकिन आपका सबसे बड़ा फायदा आपकी गलतियां होंगी, क्योंकि दोबारा आप वो नहीं करने वाले और कम से कम जब तक आप उसमें उतरेंगे नहीं। हाँ, अगर आपको एक्सपर्टाइज सलाह मिलती है, एक्सपर्ट्स आपके साथ में हैं, तो वो कई ऐसी गलतियों से आपको बचा लेते हैं जो आम होती हैं, जो आमतौर पर किसी ने की होती हैं पहले, तो उसका फायदा मिलता है। सबसे बड़ी चुनौती फंडिंग को मैं मान रहा हूँ अभी, और फंडिंग के साथ साथ में एक और चीज़ है कि मुझे लगता है स्टार्टअप्स को रियल आइडियाज़ के साथ आना चाहिए, सिर्फ कॉपी नहीं। ये कोई टैक्सी का ऐप बना रहा है तो मैं भी टैक्सी का ऐप बना लेता हूँ, कोई मेडिकल का ऐप बना रहा है तो मैं भी मेडिकल का ऐप बना लेता, अरे उसमें बड़ा पैसा है, वो स्टार्टअप लगा लेते हैं उसमें, ऐसे बात नहीं बनेगी। ओरिजिनैलिटी की ज़रूरत है, और साथ ही साथ में वो ओरिजिनैलिटी से हमारा मतलब तात्पर्य ये है कि आपका पैशन भी उसमें जुड़ा हुआ, आपको लगे कि मैं ये करना चाहता हूँ, यार मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ कि मुझे ये करना चाहिए। और जब आप ये मुझे करना चाहिए को आप की पॉइंट बनाते हैं, निश्चित तौर पर आइडिया छोटा हो बड़ा हो, एक शहर तक सीमित हो, एक आपके आरोग्य मेडिकल की चेन है, इंदौर शहर से शुरुआत हुई उसकी, अच्छा, और अब भोपाल में और मध्य प्रदेश में कई जगह उन्होंने सस्ती दवाएं देना शुरू किया। अब वो सस्ती दवाओं के जरिए धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता ये हो गई है कि जो कन्वेंशनल तरीके से मेडिकल स्टोर्स चला रहे थे वो उन्हीं के अंदाज में, उन्हीं के जैसे बोर्ड बना बना के डिस्काउंट पर दवाएं बेचने का काम कर रहे हैं, जबकि वो मार्केट पहले से एग्जिस्टिंग था। उन्हें आइडिया लगा कि मैं इन दवाओं को सस्ते में बेच सकता हूँ, मार्केट में एक बहुत बड़ी मोनोपोली कुछ बड़े ब्रांड्स ने क्रिएट कर ली है, इनके बीच में जेनरिक दवाओं को बेचना आसान है,
अब ये छोटी सी चीज़ समझ में नहीं आई थी, बड़े बड़े व्यवसायियों को समझ में नहीं आई, तो ये छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करना, एक आइडिएशन क्रिएट करना, लोगों को पहले से ज़्यादा सस्ती और बेहतर सुविधाएं देना, ये स्टार्टअप का बेस बन सकता है। ये आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि जो आरोग्य हेल्थ केयर एक तो साथ साथ अपने लिए प्रॉफिट भी जनरेट कर रहा है, दूसरा सोसाइटी को भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट दे रहा है, सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध करा। निश्चित तौर पर जी। इसके अलावा जैसे श्रीकांत, अभी इसी उदाहरण को अगर हम आगे बढ़ाते हुए बात करें, तो मुझे लगता है कि आइडिएशन के साथ साथ में आपको थोड़ा सा काम उस पर करना चाहिए। जैसे ही मैं देखता हूं किसी के दिमाग में कोई आइडिया आता है, तो वो बच्चा ये कहने लगता है पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा, मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए, कुछ पैसा दिलवा देंगे आप, मैं काम करना। मैं कहता हूं भाई इतना समय बर्बाद किया है ना, 2 महीने आबाद भी कर लो या उसको बर्बादी का नाम दे देना, बट पेपर वर्क करो, हो सके तो अपनी फील्ड से जुड़े किसी व्यक्ति के साथ काम करो, उस काम को समझो, नौकरी करना पड़े छोटे बड़े स्तर पर, बिना सैलरी के काम करना पड़े तो भी उस फील्ड को समझो। एक बार जब आप प्रैक्टिकल नॉलेज ले लेते हैं, आप उस फील्ड में उतर जाते हैं, तो उसके बाद आपके लिए अपना व्यवसाय क्रिएट करना या उसके मुनाफे और घाटे या उसकी चुनौतियों को समझना ज्यादा आसान हो जाता है। यानी फ्री में आपको एक लर्निंग मिलती है अगर आपको कोई अपने साथ एसोसिएट करके काम करवाता है। तो इंटर्नशिप का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ ऐसे ही आया था, तो मैं कहता हूँ स्टार्टअप्स को सेल्फ इंटर्नशिप के लिए जाना चाहिए। जी जी, ये मेरा बहुत जरूरी है, आपने बहुत अच्छा पॉइंट ये बताया। आपकी जो किताब आने वाली है प्रवीण जी, इनोवेट इंडिया एरा ऑफ स्टार्टअप्स, तो उसमें जैसे कहा जा रहा है कि भारत जो है तीसरा स्टार्टअप कैपिटल है, तो आप कैसे देखते हैं, मतलब आने वाले समय में क्या जैसे यूएसए पहले नंबर पे है, फिर चाइना है, फिर इंडिया आ रहा है, तो क्या हम और आगे ग्रोथ कर सकते हैं आने वाले समय में, जैसे जो सरकार की नीतियों की वजह से जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो भी काफ़ी बड़ा है, उसमें हम लोग की रैंकिंग बढ़ी है पहले से, तो आपको क्या, आप किस से देखते हैं कि क्या हम और इम्प्रूव और बेहतर कर सकते हैं इस क्षेत्र में? देखिए एक बड़ा मज़ेदार किस्सा है श्रीकांत कि हालांकि ये कई लोग जानते भी होंगे, लेकिन भारत एक पिछड़ा हुआ देश रहा, हम गुलामी की जंजीरों से जकड़े रहे, अंग्रेज जब आए तो थोड़ा हमने डेवलप करना शुरू किया, उनका एजुकेशन सिस्टम और ये सारी चीज़, ये सारी बातें हम सुनते रहते हैं। वो जो मेरी एक किताब है भारत का असली इतिहास, वो लिखने की वजह ये थी कि हम नहीं जानते हैं अपने इतिहास को। दरअसल हमने ये मान लिया है कि हमारा जो डेवलपमेंट है और सचमुच में जो कुछ हम अभी अपने इर्द गिर्द देखते हैं, वो हमारी वो परिपाटी है जो 200 साल के दौरान हमने इम्पोर्ट की है। ऑस्ट्रेलिया अमेरिका जैसी जगह वो हैं जो जहाँ पर अंग्रेज गए और वहाँ पर पूरी तरह से उन्होंने, चाहे वो धर्म के लिहाज से हो, अपनी संस्कृति के लिहाज से हो, वहाँ पर अपने आप को बसा लिया। ये एक ऐसी कॉलोनी रही अंग्रेज़ों की कॉमनवेल्थ में, जितने देश आते हैं उनमें, जिस पे असर नहीं पड़ पाया क्योंकि हमारी जड़ें बहुत गहरी हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे इस देश की जड़ ही सब कुछ है, हमारी संस्कृति, हमारे तौर तरीके, इन पर जब तक आघात नहीं होता है तब तक हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अब इस सिस्टम में एक सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है वो ये आता है कि हम मिक्स हो गए, हम मिक्स ब्रीड हो गए, हमें हमारा एजुकेशन और ये सारी चीजें तो इस हिसाब से चल रही हैं, लेकिन पुरानी चीजों को लेकर हम उसको पूरी तरह से छोड़ नहीं पाए हैं। जी, तो जो मेरी किताब है उसके जरिए मैंने ये जताने की और बताने की कोशिश की है कि स्टार्टअप एरा एक ऐसा एरा है जिसपे हम लोग पूरी तरह से अपने उस पुराने समय को या वो पुराने जो ब्रेन्स थे, हम आर्यभट्ट और चाणक्य और ये सारी चीजें सुनते आते हैं, हमने एस्ट्रोलॉजी में इतना काम किया था जो एस्ट्रोनॉमर्स के लिए आज भी मुश्किल होता है, हमने इतनी गणनाएं कर ली थी, ये सारी चीजें आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आजकल बहुत लोग सुनते हैं, तो इसमें झूठ भी नहीं है। जी हाँ। लेकिन क्यों हमें वहां तक जाना पड़ता है, उसके बाद कोई क्यों नहीं मिलता पिछले 700-800 सालों में, क्योंकि हम लोग संघर्षरत रहे। अब वो समय आ गया है जब वो दौर लौट रहा है, तो मुझे लगता है कि एक तो उस दौर का लौटना बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर हम पर हमले इसलिए होते रहे, जो मैं मज़ेदार बात बता रहा था कि भाई यहाँ कोई खाक छानने नहीं आया था, जिसके पास कुछ होता है उसे लूटा जाता है। तो जब आपको पहले मुगल लूटने आए या पुर्तगाली लूटने आए, शक हूण तक लूटने आए, उससे फिर अंग्रेज लूटने आए, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कुछ दिखता था, तभी तो आपको लूटने के लिए आते थे ना। अब मैं सबको कहता हूँ आज भी पूरी दुनिया भारत पर नजर गड़ाए हुए है, कुछ तो वजह होगी। हम तो रोना रोते हैं कि हमारे यहाँ ये नहीं है, वो नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हाँ। लेकिन कुछ तो होगा जो आप नहीं देख पा रहे हैं, जिसको दुनिया के दूसरे देश, इसलिए आपने कहा जो तीसरा, मैं तो पहला कैपिटल मानता हूँ इसको। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर चाइना और भारत का बहुत कंपेरिजन होता है, चाइना की स्थितियाँ कुछ कुछ हमारी और उन्होंने उसको उससे ऊपर उठते हुए अपने आप को एक डेवलप्ड कंट्री बनाया है।
भारत के पास संभावनाएं इसलिए भी अच्छी हैं क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, यहाँ पर एक स्वतंत्रता भी है, स्वतंत्रता के साथ साथ हमारी संस्कृति बहुत ही मजबूत है, हमारे संस्कार बहुत ही मजबूत हैं। इन दोनों का मिश्रण अगर मैं देखूं तो सिर्फ स्टार्टअप इंडिया जैसी चीजों को अमली जामा, ठीक तरीके से अमली जामा, क्योंकि क्रियान्वयन हमारे लिए चुनौती रहती है, इससे मैं इनकार नहीं करूंगा, इसको मैंने पुस्तक में उद्धृत भी किया है, लेकिन उस क्रियान्वयन में हमारी भूमिका, आप हमारे लिए ये नहीं कर रहे हैं, आप हमारे लिए ये नहीं कर रहे हैं, अरे भाई आपको पता है क्या क्या चाहिए, आपको पता है क्या क्या, इसी जगह पर कुछ बच्चे बेहतरीन काम कर रहे हैं, करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं, और इसी जगह पर कुछ बच्चे इस बात का रोना रो रहे हैं कि हमको सुविधाएं नहीं मिल रही है। इस फर्क को समझना होगा, वो कमियां जो है उन्हें दूर करने की जरूरत है। तो वो ये जो किताब है इसमें यही बताया गया है कि आपके पास इमेंस ऑफ पॉसिबिलिटीज आर देयर, और भारत में बच्चे बहुत संभावनाओं को तलाश सकते हैं, हमारी तरफ दुनिया की निगाहें हैं, पूरी दुनिया का बाजार हमारे पास आ रहा है। उदाहरण के लिए, क्योंकि एक महत्वपूर्ण विषय, एक उदाहरण देना चाहूंगा, आपके पास फैशन के बड़े बड़े ब्रांड्स आते हैं, आप देखते होंगे आज हम पेरिस, फ्रांस, यूके, यूएस के जूते, चप्पल और कपड़ों के बड़े बड़े ब्रांड्स आप मॉल्स में देखते जी हैं। बिल्कुल। आपको ये जानकर हैरत होगी कि कृषि के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है गारमेंट्स। हम क्यों नहीं कर रहे? अगर वो वहां से आकर, यहाँ मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, यहाँ पे किसी का प्रमोशन नहीं करता, बट वो ब्रांड्स अगर यहाँ पर आकर काम कर सकते हैं तो हमारे क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल, बहुत छोटी सी बात है। ऐसी कृषि पर बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने किसानों के लिए एप्लीकेशंस बनाए हैं, किसानों को उनका पैसा ठीक तरीके से मिल पाए, बीज खाद की जानकारी, इस एप्लीकेशन को उन्होंने किसानों तक पहुंचाने के लिए वॉलंटियर्स या एनजीओस का इस्तेमाल किया, और उसके बाद में उन्होंने अपने लिए संभावनाएं तलाश ली। ये छोटे छोटे आइडियाज हैं। आप चुनौतियों को देखिए, चुनौतियों का रोना रोइए, लेकिन साथ ही साथ ये सोचिए कि चुनौतियों को दूर करने में मेरी भूमिका क्या हो सकती है, आप स्टार्टअप बना लेंगे। ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि चुनौतियों को मीट करते हुए हमको आगे बढ़ना है। जी प्रवीण जी, स्टार्टअप के विषय में काफी हमारी चर्चा हो चुकी है, आपने स्वामी विवेकानंद जी की बात की अभी, तो इसी संबंध में पूछना चाहूंगा, आपने एक सीरीज में बहुत अहम भूमिका निभाई थी, दूरदर्शन मेरी आई थी अवेकनिंग इंडिया, उसमें आपने मार्गदर्शन की भी बात कही थी कि एक मार्गदर्शक कितना महत्वपूर्ण होता है एक युवा के जीवन में। तो आज के युवा के उसमें आप क्या देखना चाहेंगे, किस तरह के सिद्धांत उनमें होने चाहिए ताकि वो अपने लिए और देश के लिए कुछ कर सकें? सबसे पहले तो हम स्वामी विवेकानंद को जब याद करते हैं, उनकी प्रतिमाएं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, तस्वीरें अच्छी लगती हैं, किताबों को देखना, उनके बारे में सुनना अच्छा लगता है, लेकिन स्वामी विवेकानंद कहना क्या चाहते थे वो कितने लोग जानते हैं ईमानदारी से, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अवेकनिंग इंडिया मेरे लिए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था, एक बड़ी सीरीज थी, आज भी दूरदर्शन के लिए महत्वपूर्ण है, आर्काइव में है, अभी भी दर्शक मुझे मिलते हैं, वो पुरानी, इतनी पुरानी सीरीज को भी देखते हैं, अलग अलग आपके चैनलों पर चलती है तो वो कहते हैं कि वो बहुत ही लाजवाब। उसी दौरान मुझे डॉक्टर नरेंद्र कोहली हैं, दिनेश शर्मा जी हैं, कैलाश सत्यार्थी हैं, इन सब लोगों के साथ शो करने का मौका मिला था और समझने का मौका मिला था कि स्वामी विवेकानंद इनके जीवन में कितना असर डाल पाए। मुझे आश्चर्य होता था, क्या वैज्ञानिक, क्या प्रोफेसर, क्या लेखक, सभी के जीवन पर स्वामी विवेकानंद का गहरा असर है। तो निश्चित तौर पर कामयाब व्यक्ति जो आपको कुछ भी आपके जीवन के बारे में बताता हुआ दिखाई पड़ता है, उस पर अगर स्वामी विवेकानंद के विचारों का असर है तो आपका जीवन भी ठीक वैसा ही हो सकता है, अगर आप स्वामी विवेकानंद के विचारों को अपनाएं तो। अब आपने कहा कि उनकी कौन सी, या क्या आप युवाओं को कहना चाहेंगे, तो कहा तो जा चुका है ऑलरेडी, मैं उसको एक कुछ शॉर्ट पॉइंट्स में जरूर बताना चाहूंगा। पराधीनता एक बड़ी समस्या है और उसी से मन में कचोट पैदा होती है, चाहे हम नौकरियों की बात कर लें, किसी भी तरह की नौकरी हो, उसमें हमको एक घुटन महसूस होने लगती है कुछ समय बाद, या हमारा जीवन जो है कोल्हू के बैल की तरह बन कर रहे हैं। मैं हर तरीके के, क्योंकि पत्रकारिता में रहते हुए मुझे लगभग हर फील्ड के लोगों से, तमाम फील्ड्स के लोगों से मिलने का मौका मिलता है, मैं वो परेशानी देखता हूँ, बड़े बड़े अधिकारियों में देखता हूँ, नेताओं में देखता हूँ, अभिनेताओं में देखता हूँ, खिलाड़ियों में देखता हूँ। तो मुझे लगता है कि पराधीनता का त्याग तब होता है जब आप चीजों को खुद अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं। आप इंतजार मत करिए कि मेरी किस्मत जब जागेगी तो मेरा जब टाइम, अपना टाइम आएगा तो वो फिल्मी गाने में तो ठीक लगता है, वो हमारा टाइम लाना पड़ेगा, अपना टाइम लाना पड़ेगा आपको, और अपना टाइम आज है, अभी है। पहले तो कृतज्ञता व्यक्त करिए उन चीजों के लिए जो आपके पास ऑलरेडी है। आप हिंदुस्तान जैसे खूबसूरत लोकतांत्रिक देश में पैदा हुए, इसके लिए धन्यवाद दीजिए ईश्वर को।
यहाँ पर इतनी संभावनाएं असीम, क्योंकि असीम चुनौतियां हैं, मैं मानता हूं चुनौतियां हैं, तो असीम संभावनाएं आपके पास, उन चुनौतियों के लिए रोना रोइए, मैं दोबारा कह रहा हूं, लेकिन रोना रोने के साथ साथ में उनके लिए, उनको दूर करने के लिए आपका योगदान क्या हो सकता है, इस पर मंथन करते रहिए और जो लोग कर रहे हैं चुनौतियों को दूर करने में सफल प्रयास, उनके जीवन को पढ़िए, उनके बारे में जानिए। और रीसेंट डेज की बात करो, मैंने कहता कि आप सिर्फ अब्राहम लिंकन की बायोग्राफी तक अटक कर रह जाएं, इंक्लूडिंग स्वामी विवेकानंद की बायोग्राफी तक अटक कर रह जाएं, आप देखिए आपके इर्द गिर्द कुछ लोग आज के दौर में कैसे अच्छा काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किन विचारों के साथ में कर रहे हैं। और तीसरा मैं कहना चाहूंगा, स्टार्टअप्स युवाओं को मिलाकर कहना चाहूंगा ये बात, एक छटपटाहट, छटपटाहट ठीक है, देखिए युवा ऊर्जा का असली चीज जो है, शक्ति का केंद्र बिंदु छटपटाहट है, वो इम्पेशेंट हो जाता है, लेकिन यही इम्पेशेंस कई बार उस बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर जाता है जहां आपका असफल होना निश्चित हो जाता है। मैं डिप्रेशन का शिकार भी देखता हूँ, बड़ी छोटी उम्र में, वो भी बहुत तकलीफ में देखता हूँ, वो मुझसे संपर्क भी करते हैं कि आप, मैंने कहा कि मेरा जीवन, आप आज मुझसे बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप बैठे हुए मेरे जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो गई या मेरे संघर्ष खत्म हो गए और ये जिस दिन खत्म हो जाएंगे तो मुझे बड़ा दुख होगा। आज भी ये संघर्ष है, लेकिन मैं अपना काम कर रहा हूँ, उस काम को कुछ रिकॉग्निशन मिलती है, मुझे अच्छा लगता है, आप मुझसे बात करते हैं, युवा मेरी बात सुनते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन मुझे पता है कि अपने इन संघर्षों से ऊपर उठकर मुझे अभी और भी काम करना है, ये तो काम की शुरुआत मात्र है। और अपॉर्चुनिटी 4 साल पहले तक, स्टार्टअप इंडिया 5 साल पहले तक कोई नहीं जानता था ना इस तरह का, तो मेरे जैसे लोगों के लिए तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती, लेकिन मैं तब भी काम कर रहा था, मैं तब भी किताबें लिख रहा था, मेरे विषय थे कुछ अलग अलग। अब मुझे ऐसा लगता है कि युवाओं को इस विषय में विचार करना चाहिए कि वो ऊर्जा को तो बनाए रखें, लेकिन श्रद्धा और सबूरी, वो साईं बाबा की तस्वीरों पर आप बहुत देखते हैं, उसका मतलब भी समझिए, एक तो श्रद्धा रखिए कि हाँ आपने कुछ करना शुरू किया है तो उसमें सफलता आपको मिलेगी, लेकिन सब्र बहुत जरूरी है, पेशेंस बहुत जरूरी है, ये सबसे बड़ी कमी है जो आज यंग एंटरप्रेनर्स में मैं देखता हूँ, वो जल्दी टूट जाते हैं क्योंकि वो जल्दी पाना चाहते हैं, खास तौर पर शुरुआती सफलता के बाद तो उन्हें ऐसा लगता है कि बस अब हम किंग बन गए, अब वो ये इसकी तरह उसकी तरह। अब मुझे अच्छा ये लगा कि डॉक्टर रितेश मलिक हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, इनोवेट को वर्किंग करके उन्होंने स्टार्टअप बनाया जिसे ओयो रूम्स ने अभी एक्वायर भी कर लिया है, रितेश की कहानी को जब मैं देखता हूँ, शैलेश की कहानी मैंने आपको बताई है, ऐसे बहुत से स्टार्टअप्स हैं, कामयाब स्टार्टअप्स हैं जिनकी कहानियों को मैं देखता हूँ, तो उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसने डाउनफॉल ना देखा हो, लेकिन उसने उसे उस प्रोसेस का हिस्सा माना, उन्होंने नेक्स्ट अटेम्प्ट लिया, जो भी थे उनके चैलेंजेस, जीरो से ही सब शुरू करते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा कहां जीरो पे ही आएंगे, बिल्कुल सही, तो जीरो से फिर शुरू कर लीजिए अब, लेकिन आपके पास में वो अनुभव रहेगा जो आपने इसके दौरान सीखा, तो आप जीरो से ऊपर ही रहेंगे, जब भी रहेंगे, पर इस चीज को भूल जाते हैं, वो गलतियां के दौरान ना, पोजीशन को पकड़ कर रखना चाहते हैं, मेरा इतना मान सम्मान, मेरा इतना बैंक बैलेंस, मेरा ये चीजें जो आ गई है, बस ये तो स्थिर हो जाए, अब इसके बाद में मैं अपग्रेड करता चला जाऊं, ये बहुत ही एक झूठी सोच है, एक दिमाग का कंफर्ट जोन बना के रख लेते हैं, जैसे कि निकलना नहीं चाहते, अच्छा वर्ड है आपका, मैं इससे एग्री करता हूं कि इसको आप कंफर्ट जोन का नाम दे दें, कि मेरी ये परिस्थितियां हैं, ये तो जस की तस बनी रहे, कुछ नया आप इसमें एड ऑन हो जाए, आप ये नहीं देखते कि आपकी ये परिस्थितियां ऐसे समय, जिन्हें आपने आज पाया है, एक ऐसे समय से पाया जब आपके पास ये सब नहीं था, वैसे ही रही है, आपको बेहतर मिलेगा, प्रोडक्टिविटी कम होती जाती है, ये एक बड़ी चुनौती है, जैसे जैसे आप ग्रो कर रहे हैं आपकी प्रोडक्टिविटी का अनुभव का बढ़ना जरूरी है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी मैं देखता हूं कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आप सीमित होते जाते हैं, आपके इनोवेशंस खत्म हो जाते हैं। स्टीव जॉब्स मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं कि वो अंत समय तक कुछ, वो जो था बंदा वो वही रहा, वो रॉ रहा, वो आखिर तक इनोवेशंस में बिलीव करता रहा, वो डिजिग्नेशंस में, कंपनी से निकाले जाने में, अपनी कंपनी से निकाल दिए गए थे, फिर अपनी कंपनी में बुलाए गए, आज इतना बड़ा जो ब्रांड क्रिएट है वो उनके उसूलों पर क्रिएट है। प्रवीण जी, मैं थोड़ा सा विषय से हटना चाहूंगा, मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि प्रवीण जी को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से नवाजा गया है, उन्होंने पॉलिटिकल कार्टून्स के क्षेत्र में इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने PhD की है, तो प्रवीण जी इसके बारे में थोड़ा बताइए, मैं और हमारे दर्शक दोनों जानना चाहेंगे कि ये ऐसा विषय क्यों चुना आपने शोध के लिए। याद है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होने के बाद में दूरदर्शन मध्य प्रदेश ने ही सबसे पहले मेरा इंटरव्यू किया था, जी जी जी, और मुझे बड़ा गौरव का अनुभव हुआ था, मैं इसी प्रदेश का हूँ, मैं इंदौर शहर का रहने वाला हूँ, इंदौर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से ही मैंने अपनी PhD की थी, मुझे उस समय नहीं पता था, एक्चुअली RK लक्ष्मण, सुधीर तेलंग, इस्माइल लहरी,
ऐसे देवेंद्र शर्मा ऐसे बड़े बड़े कार्टूनिस्टों के साथ मुझे वहाँ मिलने का मौका मिला, उनमें शेखर बुरेरा बाद में मेरी मुलाकात हुई और त्रियंबक शर्मा है कार्टून वॉच के, तो इन लोगों से मिलने के बाद मुझे इस पूरी दुनिया के बारे में समझ में आया कि कार्टून पॉलिटिकल कार्टून्स की एक दुनिया है और ये पूरी तरह से पत्रकारिता का, मैं पत्रकारिता का छात्र था, पत्रकार रहा हूँ, पत्रकारिता उस वक्त करना मैंने शुरू कर दी थी, तो मुझे लगा ये पत्रकारिता का ऐसा क्षेत्र है जो सबसे ज़्यादा भुला दिया गया क्षेत्र है या इसका महत्व वैसे है, तो मेरी कार्टून की पीएचडी का सब्जेक्ट ही था इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल कार्टूनिंग इन मास कम्युनिकेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन कॉन्टेक्स्ट, भारतीय कार्टून्स की कितनी महत्ता रही है। आर के लक्ष्मण के साथ मुझे कुछ समय बिताने का मौका मिला, काफी समय था भोपाल में आपके, अच्छा जी, एक वर्कशॉप के दौरान आर के लक्ष्मण के साथ में कुछ समय रहा, उनके व्यक्तित्व को समझा कितने गंभीर हैं, ऐसा लगता था कि ह्यूमर क्रिएट करने वाला बड़ा ही हास्य से बात है, मुझे बहुत डांट पड़ी उनकी आर के लक्ष्मण की, हाँ वो मेरी टी शर्ट्स को लेकर कॉमेंट करते थे, बहुत चीजों को लेकर कॉमेंट करते थे, अंग्रेजी उन्हें अच्छी चाहिए थी, ड्रॉइंग उन्हें अच्छी चाहिए थी, और तुरंत डांट देते थे अगर आपकी ड्रॉइंग में जरा सी भी खराबी होती थी तो साइन सिग्नेचर नहीं देते थे वो जी, जी। तो बड़ा दुख होता था, मुझे दो बार रिजेक्ट किया गया, तीसरी बार मिल गया था मुझे अलग ही जब मैं, और मुझे बहुत अच्छे से जानने भी लगे थे कि ये बदमाश लड़का है, उन्हें मेरी बहुत सी चीजें नापसंद थी, तो इसलिए मैं जल्दी उनकी नजर में आ गया। खैर ये कुछ खूबसूरत यादें हैं जो भी बात करते करते सामने आई, असली मकसद ये था कि पॉलिटिकल कार्टून्स के इंपॉर्टेंस को आज भी हमें समझना चाहिए। सही कहा आपने, जैसे कॉमन मैन को कौन कौन भूल सकता है, मतलब साथ ही हम लोग की आम इंसान की समस्याओं को इतने अच्छे तरह से उसमें दिखाया जाता था कि एक ह्यूमरस तरह से एक बहुत अच्छे विषय पे हम लोग, मैं अभी भी कई बार कई रातें मेरी उनकी किताबों को देखते हुए गुजरती हैं, एलिगेंट ब्रश है जैसे, और ये किताब में आप पूरी हिस्ट्री आज़ादी से लेकर अभी तक की जब तक वो बनाते रहे थे तब तक की आपको मिलती है कि कैसे भारत में राजनीतिक बदलाव होते रहे, तो मुझे जब हिस्ट्री पढ़नी होती है तो मैं कार्टून्स देख लेता हूँ, एक दो घंटे का समय लगता है, पूरी किताब को एक बार पलट कर देख लेता हूँ और ऐसा लगता है कि वाह ये तो बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने समझा दिया। सुधीर तेलंग जी ने एक बात कही थी, अब तो दोनों ही नहीं रहे हैं, बहुत अनफॉर्चुनेट है, सुधीर जी का मुझे बड़ा प्रेम मिला, सुधीर तेलंग जी ने मेरी बड़ी मदद भी की, क्योंकि हमारे पास लिटरेचर मौजूद नहीं है कार्टून्स को लेकर, और पीएचडी करना है 600-700 पेज उसमें आपको लिखना है और कुछ ऐसा लिखना है जो डॉक्यूमेंट आज तक नहीं हुआ है तो बड़ा चैलेंज होता है, तो सुधीर जी ने, राजेंद्र धोड़पकर जी ने, इन लोगों ने मेरी बड़ी मदद की थी और मुझे उन्नी भी उसमें इंडियन एक्सप्रेस के शामिल करना चाहूँगा, तो इन लोगों ने मुझे कुछ 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 लिटरेचर जो इनके पास मौजूद था वो मुहैया कराया था। सुधीर जी ने एक बात कही थी कि 80 के दशक की फिल्मों में विलेन और हीरो का एक रिश्ता होता है, जी जी जी। वो जो विलेन होता है वो पूरी फिल्म में हीरो को पूरी तरह से बर्बाद करता रहता है, उसकी बहन के साथ छेड़खानी करता है, उसके बाप को मार डालता है, ये करता है, तो वो गुस्सा पूरा का पूरा दर्शक में भर जाता है वो जब सिनेमा घर में, तो वो जब भी विलेन को देखता है तो ऐसा गुस्सा आता है, इसे मार क्यों नहीं रहा है, इसे मार क्यों नहीं रहा है, फिर आखिरी में जब हीरो विलेन की पिटाई करता है वो एक ही मोमेंट आता है, पूरी तरह से पिटाई करता है, बिल्कुल खत्म करने की, तो दर्शक इस तरह से कुर्सी, ये सुधीर तेलंग जी बिल्कुल ऐसे ही समझाते थे, कुर्सी को पकड़ता है और कहता मार और मार और मार। कार्टूनिस्ट का काम यही है जी जी। वो जब सिस्टम से बहुत सताया जाता है आम आदमी, तो जब वो कॉमन मैन किसी कार्टून को देखे तो उसे लगना चाहिए अच्छा मारा, ये था, ये दिया। अब ये बात आप एडिटोरियल्स में नहीं लिख सकते, खबरों में नहीं लिख सकते, हम लोगों की सीमाएं होती है, लेकिन कार्टून हास्य में आप कुछ भी लिख सकते हैं। जी जी जी, ये बहुत अच्छा बताया प्रवीण जी ने कि कार्टून्स के माध्यम से हम कहीं उस पर वो कर सकते हैं, तो बस इतना ही समय था, आज बातें बहुत सारी हैं लेकिन समय की हमारे ऊपर पाबंदी है, तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा प्रवीण जी को कि हमसे आए और स्टार्टअप के बारे में, कार्टून्स के बारे में इतनी चर्चा की, धन्यवाद प्रवीण जी, नमस्कार।